अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूबसूरती के रंग बिल्कीस के संग आज मैं बैठी अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी, उसमें लिखा था एक चूंटी अगर कहीं जा रही हो तो, वैसे यूजुअली देखती हूँ हमारे किचन में भी कभी कभी कोई बैकयार्ड से कहीं से चूंटी चलती हुई आ जाती है, तो अगर चूंटी कहीं जा रही है तो आप नोटिस करें कि जब आप अपनी फिंगर वहाँ रखते हैं उसका रास्ता रोकने के लिए, तो वो आपकी उंगली हटाने का इंतज़ार नहीं कर रही होती है, बल्कि वो आपके उंगली को इग्नोर करके वो दूसरा रास्ता तलाश करने के लिए चली जाती है, यानी कि अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए चली जाती है। तो एक छोटी सी चीज़ है, चूंटी है, मगर उससे हम इतना बड़ा एक सबक ले सकते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई मुश्किल आ जाती है, तो हमें थक के बैठ नहीं जाना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए, अपनी मंजिल को तलाश करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला एक दर अगर बंद करता है तो 100 दर खोलता है। तो यही मेरा पैगाम है कि हमें रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, थक हार के हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और शख्स हमारे दरमियान था, बहुत मशहूर, बहुत फेमस था, और माइकल जैक्सन उसका नाम था। अब वो हमारे साथ नहीं है, मगर एक जब उनके बारे में मालूमात किया गया तो वो माइकल जैक्सन चाहता था कि 150 साल उसने जीना है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंट हुआ करता था, उसके अंदर वो सोता था, और साथ ही साथ जो है बहुत ही लिमिटेड ग़िज़ाएँ जो डॉक्टर ने उनको कही थी बस वही वो खाया करते थे, और साथ ही साथ उनके पास 12 या 13 कुछ डॉक्टर हुआ करते थे जो उन्होंने अपने साथ रखे हुए थे ऑलवेज़, और जब कभी ऑलवेज़ जो है वो जो क्लीनिंग हुआ करती थी और क्या कहते हैं परहेजी खाना होता था, और उन्होंने अपने लिए कुछ डोनर जमा करके रखे थे जो हार्ट है, लंग्स हैं, आइज़ हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में अगर उसकी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई आज़ा उसका ख़राब हो जाता है, तो बाकायदा डोनर को उन्होंने वो पैसे दे के रखा हुआ था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो उनसे ले सकते हैं। मगर साथ ही साथ अचानक 25 जून को शायद जब एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो किसी से हाथ मिलाते थे तभी भी जो है वो ग्लव्स पहन लिया करते थे ताकि उसके हाथ में जर्म्स ना लग जाएं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो डॉक्टर ने कहा है बस वही खाना है। तो इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे बहुत हाइजेनिक तरीके से। तो अचानक 25 जून को उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद वो जब हॉस्पिटल लेके जाया गया उनको, तो आप देखें कि कुछ कहते हैं कि 30 मिनट के बाद ही समझिए उनका आपको डेथ हो गई है और बस ज़िंदगी ख़त्म। तो कौन, हम कैसे कह सकते हैं कि हम 150 साल ज़िंदा रहेंगे या हम 100 साल ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जो हमारे किस्मत में लिख दिया गया है वो तो होना ही है। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो आप देखें पता चला कि अंदर से वो बिल्कुल ढांचा बन चुका था, उसके अंदर कुछ भी, उसकी पसलियाँ भी टूटी हुई थीं, और क्या कहते हैं उनकी जो सर्जरी इतनी उन्होंने करवाई थी जिसकी वजह से उनके जगह जगह इंजेक्शंस लगाए गए थे, तो उसमें कितने सुइयों के सुराख थे। तो हम कुछ भी कर लें मगर अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, तो इसलिए हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, जो मांगना है अल्लाह से मांगें, जो चाहते हैं अल्लाह से अपनी रिक्वेस्ट करें। कहते हैं कि कोई परेशानी हो आपको ज़िंदगी में तो बस आप वज़ू करें, जानेमाज बिछाएं और अल्लाह से दुआ मांगें, और फिर देखें कि अल्लाह क्या कमालात दिखाते हैं। तो चलिए हम अपने इसी तरह प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं कि आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव, जो हमारा देसी, जो हम पहले पोटली बना के बनाया करते थे,
वो हम आपको आज बनाना सिखाएंगे। और आज हमारे साथ जूही हैं, जिन्होंने लास्ट प्रोग्राम में हमें वाइट कोरमा बनाना सिखाया था। माशाल्लाह बहुत अच्छे उनकी टेस्ट है उनके हाथ में। और आज के ज़माने में जो कि हर इंसान, हर लड़की, औरत जो भी हो, वो क्या करते हैं कि पैकेट के मसाले यूज़ करते हैं, क्योंकि ईजी ईजी गो। मगर जूही को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे अपने ही मसाले से बनाती हैं और हर एक टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने खूबसूरत से किचन में और उसके बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद खूबसूरती के रंग बिल्टेज के संग। खूबसूरती के रंग बिल्कीस के संग। दोपहर का वक्त था, आज भी मैं अपना प्रोग्राम दोपहर में कर रही हूँ, उसी नौया से एक जोक याद आ गया कि दोपहर का वक्त था और घर में जो है मियाँ बीवी अकेले होते हैं और क्या होता है कि चोर घुस आता है और जैसे ही चोर अंदर आता है आके क्या करता है कि वो वाइफ को बांध देता है रस्सियों से और शौहर के सर के ऊपर गन रख के कहता है कि जो कुछ है सब निकाल दो, मैं सब लेके जाऊंगा। तो जो खाविंद होता है वो बेचारा रोने लग जाता है, कहता है तुझे जो कुछ चाहिए प्लीज़ ले जाना, मगर इस औरत को खोल दो पहले। तो कहते क्यों क्यों खोल दूँ? तो कहता है नहीं, असल में मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी किसी भी वक्त आ जाएगी। तो प्लीज़ मर्द हजरात जो हैं ऐसी हरकत ना करें, ठीक है? ये जोक हमने इसलिए सुनाया था। और हम औरतें जो होती हैं मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं और उनका हर चीज़ से ख्याल रखती हैं हर तरह से, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी हमारा ख्याल रखें और कोई इधर उधर की वो क्या कहते हैं हम लोग मजाक में हैंकी पैंकी ना करें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम अपनी जूही से और उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि वो हमें आज क्या बनाना सिखाएंगी और कैसे बनाएंगी। जी जूही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लास्ट प्रोग्राम आपके साथ किया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, और बहुत मज़े की वाइट आपने जो खोरमा बनाया था। आज आप हमें क्या खिला रही हैं? आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। ओके। चिकन की यखनी पुलाव बना रही हूँ जो दिल्ली स्टाइल की है। ओके। दिल्ली में हमारी तरफ इसी तरह की यखनी पुलाव खाई जाती है, तो वो आज हम। तो आप दिल्ली वाले हो? जी। तो मैंने सुना है दिल्ली वाले मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल सही। तो यानी कि चटपटे? जी बिल्कुल, बातों में भी चटपटे और खानों में भी चटपटे। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे बनती है आज बिरयानी हमारी पुलाव। वो जो पुराना वो पोटली वाला स्टाइल था वही आप बता। वाओ, तो आप लोग कहीं मत जाइए और देखते रहिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और किस तरह से ये बनेगा। तो चलिए जूही आप बताइए प्लीज। ओके, हमें इसके लिए चाहिए नमक, जावित्री, प्याज, बादियान के फूल, लौंग, तेजपात, हमने काली मिर्च ली है और मैंने इन तमाम मसालों की ये पोटली बना ली है, ठीक है? इस पोटली में मैंने सारे अदरक है इसमें, इसमें देखिए लहसुन है, अदरक है, दालचीनी है और सौंफ है, और जो भी ये सारे मसाले ना वो मैंने पहले से बना के एक पोटली में रख दिए हैं। अच्छा, यही सारे मसाले? यही सारे मसाले मैंने पोटली में रख दिए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख के कर। मैंने तीन बड़ी इलायची ली है, तीन छोटी इलायची ली है और दो ऐसे मैंने बादियान के फूल लिए हैं और एक बस इतना सा टुकड़ा जावित्री का लिया है, ठीक है? और सिनेमन मैंने लिए और अदरक मैंने तकरीबन आप समझ लीजिए 25 ग्राम अदरक इतना मैंने लिया है और इसको मैंने लेकर एक पोटली में मैं रखूंगी और फिर हमने इसको बंद कर देना है। इसको क्यूट लग रही है ये पोटली मुझे। जी इसका मज़ा पता है, यखनी पुलाव का मज़ा ही ये पोटली में आता है। और तो ये मेरी एक बहन है जिनका नाम है अस्मा, वो बहुत शौक़ से बनाती हैं हमारे घर में, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। हमारे घर में वही बनाती थी, तो अच्छा। मेरी वालदा ने उनको सिखाया था तो उन्होंने फिर मुझे ये सिखाई है। माशाल्लाह। तो ये मेरी मुझे अस्मा बाजी ने सिखाई है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये ऐसी पोटली तैयार हो जाएगी, ठीक है? फिर आपने इसको रख देनी है और इसके लिए हमें चिकन भी चाहिए और थोड़ी सी हम दही भी डालेंगे, ठीक है? और हमने थोड़ी सी क्योंकि हम बताया बिल्कीस ने आपको कि हम दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं, चटपटे से होते हैं, तो हम मिर्च को तो भूल ही नहीं सकते, तो वो भी हम डालेंगे, ठीक है? ठीक है, चलें अब हम इसमें? जी दही सिर्फ एक टेबल स्पून जितना डालेगा। अच्छा, ज़्यादा नहीं। जी ठीक, चलें
जी जूही बताइए, अब आपने क्या हमें पहला स्टेप सिखाया है? पहला हमने तेल लिया है, तेल के अंदर हमने अनियंस मतलब हमने प्याज मोटे मोटे काट के डाल दिए। ठीक है ठीक है, ये इस तरह से नाज़रीन देख लो आप लोग। अच्छा, इसमें हमें वो जो लच्छेदार हम प्याज काटते हैं वो नॉट नेसेसरी? नहीं, ठीक है ठीक है। और उसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ, इसके बाद फौरन मैंने इसके अंदर चिकन डाल देना। ठीक है, हम चिकन डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। ओके, अच्छे से। ठीक है, हमने ये डाला, डालकर हम इसको इस चिकन को इसके साथ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक डालेंगे और बस फिर पोटली डालकर यखनी के लिए चढ़ा देंगे पानी डालकर। अच्छा, ठीक है जी। अब सारे मसाले जो है ना बस इसी में इसी तरह डाल देने जब तक के थोड़ा सा चिकन है ना पूरा ना गलाइएगा, चिकन 3/4 गलाइएगा और 1/4 छोड़ दीजिएगा ताकि वो चावलों के साथ, जैसे हम कहते हैं चावल खड़े रहने चाहिए, हाँ, वैसे चिकन खड़ी रहनी चाहिए। चिकन खड़ा रखिएगा। मगर चिकन को खड़ा किया तो और चिकन भाग गई फिर? नहीं 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 भाई, प्यार से मोहब्बत के साथ उसे शराफत के साथ रखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे आपके प्रोग्राम का सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आप जो वो जो लतीफ़ों के फिलर्स रखती हैं प्रोग्राम को, वो बड़े दिलचस्प होता है। तो आपको अगर कोई लतीफ़ा याद है आप भी सुनाइए ना जूही, कोई अच्छा सा लतीफ़ा सुनाइए। बिल्कुल, अगर याद अचानक याद आना मुश्किल हो जाता है आई नो, मगर जूही से हम बात कर रहे थे नाज़रीन, तो जूही बहुत एक प्यारी सी बात कह रही थी माओं के ऊपर, तो वो मुझसे कहने लगी कि आप बताइए कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो मैंने कहा जब आप ज़ाहिर है जिसके अंदर से कोई बात निकले वही अगर कहे तो उसकी फीलिंग्स आती है, तो मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद वो बात बताओ कि क्या हम माओं का किरदार होता है। देखिए, जो माँ होती है ना उससे मुकद्दस चीज़ तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। सही। तो और लड़की मैं सोचती हूँ शादी के बाद जब वो ख़ुद माँ बनती है ना तो उससे माँ का की इम्पोर्टेंस का ज़्यादा एहसास होता है। माँ एक ऐसी नियामत है अल्लाह ताला की कि जो देखिए आपको अपने बतन में 9 महीने रखने के बाद जब वो अपने जिस्म से आपको बाहर निकालती हैं तो वो इतनी इसार कुर्बानी वाली होती है कि वो अपना नाम तक नहीं देती, नाम भी वालिद का लगा देती हैं। तो माँ वो चीज़ है। सही बात है, सही बात है। तो माँ का तो कोई नामुल बदल है ही नहीं, है ही नहीं। बेशक वालिद का भी नहीं है, लेकिन जो बात आप किसी को भी कहें माँ का नाम पे कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखें नम ना हो। सही बात। तो देखो ना हमारे दीन में भी तो 3 बार माँ के लिए कहा गया है, जी, फिर जी, एक बार फादर के लिए कहा गया है, राइट? जी, 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 जी। तो देखिए एक हदीस भी है। हाँ हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह ने 3 चीज़ों के लिए कहा है कि लानत है उस शख्स पर जिसके सामने रमदान का महीना आया फिर भी उसकी मग़फ़रत नहीं हुई मिंबर पे चढ़ते हुए। फिर कहा है कि लानत है उस शख्स पर कि जिसके ज़िंदगी में वालदैन हों और उसके बावजूद ज़ईफ़ वालदैन हों उसके बावजूद उनकी मग़फ़रत ना हो। कितनी बड़ी बात कही है। तो माँ तो कैसी चीज़ है भाई, मुझे तो बहुत, हम जब भी कोई चीज़ पकाती हूँ कुछ करती हूँ मुझे बहुत अम्मी याद आती हैं और मैं जज्बाती हो जाती हूँ। क्या कहते हो जूही, आजकल के जो बच्चे हैं, हर कोई तो नहीं 100%, मगर कोई कोई हैं जो नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स के लिए, तो क्या पैगाम दोगे उन बच्चों को कि क्या करें वो अपने माँ बाप के लिए? लाइक गुस्ताखी कर जाते हैं, राइट? नहीं समझ पाते हैं अपने माँ बाप को, या इग्नोर कर देते हैं, या फिर अपनी प्रायोरिटी पहले रखते हैं बाद में माँ बाप रखते हैं। ये मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगी, इसमें सबका अलग अलग नज़रिया है, मेरा नज़रिया ये है कि ये वालदैन के हाथ में होता है कि आपकी औलाद आपकी इज्जत करें। अगर आपके बच्चे आपको नहीं सुन रहे हैं तो बुरा मत मानिए क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं ना वही करते हैं। आप अपना आपको देख लीजिए। मैं अपने हर प्रोग्राम में देखिए आपके साथ अपनी वालदैन का जिक्र करती हूँ, मैं आज जो हूँ अपने वालदैन, तो हमने अपने वालदैन को वैसे देखा, उनको वही अल्फाज अदा करते हुए देखा जो उन्होंने अपने वालदैन के लिए कहा। सही। तो वो चीज़ कहते हैं ना सुन सुन के दिल पे असर करती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चों के अंदर अपनी इज्जत करवाएं,
انہیں احساس دلائیں کہ دیکھو ہماری تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ بچے مجبور ہو جائیں کہنے کے لیے. صحیح بات ہے کیونکہ آپ نے, میرا نظریہ ہے, میں نے, مجھے یاد ہے پروگرام جب فرسٹ ٹائم آپ نے شروع کیا تو آپ نے سب سے پہلے وہ دعا کی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ماشاء اللہ. تو واقعی میں ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو ہے نا محبت بھرا دل رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. اور اگر کبھی گستاخی ہوتی بھی ہے تو اولاد کو چاہیے زندگی میں ہی معافی مانگ لے اور اس کو ٹھیک کر لے, اور اگر والدین نہیں ہیں زندگی میں اور ختم ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, ان کے لیے فی سبیل اللہ کام کریں, ان کے لیے صدقہ دیں, ان کے لیے ایسے کام کریں جس سے ان کو ثواب پہنچے. تو اس سے بڑھ کے کوئی بڑی چیز نہیں. نیک اولاد ہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بے شک. یہی ہے ہمارے پروگرام کا نظم العین, خوبصورتی کے رنگ بلقیس کے سنگ. جی اب ہم نے جب بھون دیا ہے تو اب ہم کیا ڈالیں گے اس کے اندر؟ ہری مرچیں پسی ہوئی. ہم اس کے اندر ہری مرچ پسی ہوئی ڈالیں گے. ٹھیک ہے یہ میں نے اتنی لی ہے ہری مرچ. ہاں ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک کلو گوشت کے لیے. جی یہ بڑی والی ہری مرچ ہے جس میں تیزی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دہی تقریباً ہاف کپ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے. ٹھیک ہے. اور بس اس کے بعد ہم اپنا وہ پوٹلی رکھ کر اندر پانی ڈال کے اور چڑھا دیں گے. ختم. اوکے. بعد میں پھر چاول اسی کے اندر پکتے ہیں رائٹ؟ جو ٹھیک ہے, اس کے اندر ہی اسی یخنی میں اس کا سوپ جو یخنی کہتے ہیں وہ تیار ہو جائے گا اور اسی کے اندر ہم چاول شامل کر کے پکا لیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بیوٹیفل کلر ہی آلریڈی اتنا خوبصورت آ گیا, خوشبو آ رہی ہے اس کی. اس کو بھوننا ہے یا ہم ڈائریکٹ بس پوٹلی ڈال دیں گے؟ ہم نے کیونکہ شروع میں ہم چکن کو بھون چکے ہیں نا, ہاں ہاں, تو اب ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت کلر آلریڈی اس کا آ چکا ہے. چلیے جوہی ڈال دیجیے اس میں آپ. جی. اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے, یہ ہم نے گرم کیا ہوا پانی رکھا ہوا ہے. اوکے. تو ہم اس کو یہاں شامل کر دیں گے تھوڑا سا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا ہی ڈالیں گے, شامل کریں گے. ایک کپ کہیں گے جوہی؟ آدھا کپ. آدھا کپ. مگر جب ہم گوشت بناتے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ ڈالنا پڑے گا, رائٹ؟ ہاں, ہمیں اتنا ہی پانی شامل کرنا ہے جتنے میں ہمارا گوشت گل جائے. گل جائے بس. ٹھیک. اب ہم اس کے اندر یہ پوٹلی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. یہ پوٹلی میں نے اندر ڈال دی, اور یو میک شیور کہ آپ وہ سارے پانی سے اس کو تر کر دیں تاکہ اس کا مسالے ہو جائیں. اب ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا والا ہے یہ. میں بنا تو رہے ہیں آپ پوٹلی والی یہ پلاؤ, میں ضرور اپنی بھاوج کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں تو خیر ڈبے سے بناتی ہوں پلاؤ, مگر میری جو بڑی بھاج ہیں میں ان کو بھاج کہتی ہوں, تو وہ یہ والا پلاؤ بہت مزے کا بناتی ہیں. تو وہ مجھے اس وقت یاد آ گئی ہیں بیکاز آئی لو ہر سو مچ. تو نہیں, انشاءاللہ دیکھتے ہیں ناظرین کس طرح سے یہ بنے گی, پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا ٹیسٹ ہے, کیا خوشبو ہے. اور آپ لوگ دیکھتے رہیے خوبصورتی کے رنگ بلقیس کے سنگ. جی, خوبصورتی کے رنگ بلقیس کے سنگ ہم آ گئے ہیں دوبارہ اپنے کچن میں. اب بتائیے کیا پوزیشن ہے جوہی؟ دیکھیے ہمارا چکن گل چکا ہے ماشاء اللہ سے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پوٹلی بھی ہماری پوری اندر ڈوب چکی ہے. واو. اور کلر اتنا خوبصورت آف وائٹ کلر, جیسے ہم ڈریس کا بناتے ہیں بالکل ویسے ہی کلر لگ رہا ہے. سو بیوٹیفل. اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے. اب ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دینے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم پوٹلی نکالیں گے یا ساتھ ہی ڈال دیں گے؟ نہیں نہیں, جب ہم اچھے سے چاول ڈال دیں گے اس کے بعد ہم پوٹلی کو نکال دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. پوٹلی چاولوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. سو اوکے. کھیرے ہمارے گھر میں چلیں. چلیے ٹھیک ہے. پانی نہیں تھا نا, ایسے ڈال کے پھر اوپر سے پانی ڈال کے گھما کے ڈال دینا. اب یہ ہم چاول, چار کپ ہم نے چاول لیے ہوئے, وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جو آلریڈی بھگوئے ہوئے تھے ہم نے. جو ہی میں نے ایک چیز دیکھی کہ بھگوئے ہوئے تو آپ نے تھے, مگر آپ نے دھو کے پانی اس کا نتھار دیا تھا, پانی نکال دیا ہے نا. جی جی. اور بس گیلے کر کے رکھے تھے. گیلے کر کے رکھے تھے. ہاں, میں نے اس کے اندر چار کپ چاول ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے. آلرائٹ, اب اس کو ہم اچھے سے ملائیں گے. اس کے بعد انداز سے
दोबारा से मतलब हम देखेंगे कि कितने और चावल हमें चाहिए होंगे. ठीक है ठीक है. अब ये वक्त है पोटली निकालने का. जी जी अभी थोड़ा सा चावल पानी डाल दो फिर मैं पोटली को रुखसत करूंगी. ठीक. बहुत साथ दिया इन्होंने हमारा. सही. देखिए ये मैंने 5 कप गर्म पानी करके रखा है ताकि पुलाव जल्दी हो जाती है और इससे बहुत खिले खिले चावल बनते हैं. तो गर्म किया हुआ पानी हम शामिल करेंगे. ठीक है ठीक है. ये हमने गर्म किया हुआ पानी अंदर शामिल कर दिया. अच्छा मैं जो ही क्या करती हूँ पहले इतना पानी डाल के ना उसको वैसे ही बॉईल कर लेती हूँ उसमें चावल डाल देती हूँ. अच्छा. मगर ये आपकी नई टेक्निक मैंने देखी है. अब हमें हमारे पास हमारा वो वक्त आ गया कि हमें पोटली से अलविदा कर लेगा. चले पोटली को हम रुखसत कर रहे हैं और इनको हम चावल के इसमें डाल दीजिए. इसमें ठीक है हमारी पोटली रुखसत हो गई. अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे अच्छे से मिलाने के बाद और बस इसको. एक चीज़ मैंने नोट की है जैसे कहते हैं ना इंसान को भी अगर देखना है तो उसकी सीरत देखना है ना. जी, जी. मगर आपके जो खाने हैं माशाल्लाह उनकी सूरत भी अच्छी होती है और उनकी सीरत भी बहुत मज़े की होती है. तो आई रियली लाइक इट. क्योंकि आप लोग तो नाज़रीन नहीं चख सकते हैं खुद बनाएं और उसको चखें. बहुत मज़े के खाने होते हैं यकीन माने आप. अब हम मैंने इसको मैक्सिमम पे कर दिया है ताकि वो उसके अंदर है ना बॉयल आने शुरू हो जाए. तो ये कितनी देर के लिए रखेंगे हम. अभी मैं देखूंगी जैसे बॉयल आने शुरू होंगे जैसे ऐसे देखिए बॉयल आने शुरू होंगे जोर जोर से तो फिर मैं उसको हल्की आंच पे 15 मिनट्स के लिए बंद कर दूंगी. मैं उसके बिल्कुल देखूंगी नहीं क्या है. 15 मिनट्स के बाद देख खोल कर अंदर चमचा चलाऊंगी फिर 3-4 मिनट के लिए रख कर फिर उसके बाद उसी उस वक्त चूल्हा बंद करने के बाद जब आपने सर्व करना है तभी आप ढक्कन खोलें वरना मत खोलें. ओके तो ठीक है नाज़रीन आप लोग समझ गए क्या तरीक़ेकार इन्होंने बताया है. तो जब ये हमारे चावल रेडी हो जाते हैं फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे आपको दिखाने के लिए कि कैसे खिले खिले चावल बने हुए हैं. तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग. खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग हमारा पुलाव पक्के तैयार हो गया है. चलिए देखते हैं कितना मज़ेदार बना है उसका टेस्ट कैसा है. हम चक्के बताते हैं. अफसोस आप लोग नहीं खा सकते हैं मगर मैं खा के बताती हूँ. बिस्मिल्लाह. बहुत मज़े का है. ज़रूर ट्राई कीजिए. और क्या कहते हैं हरी मिर्चें भी जो डाली हैं उसका भी सौंदापन बहुत अच्छा आ रहा है. तो फिर देखते रहिए हमारा प्रोग्राम खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग. अल्लाह हाफिज़.